वेलकम टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। गाइस, आज का ये वीडियो गर्ल्स के लिए है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज मैं गर्ल्स के लिए और उन गर्ल्स के लिए जिनको लिपस्टिक्स का बहुत शौक है उनके लिए कुछ लिपस्टिक्स लेके आई हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए गाइस, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं गाइस। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज की बहुत ही सुपर डुपर लिपस्टिक के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही सुपर डुपर लिपस्टिक के बारे में बताऊँगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। ये देखिए मेरे पास चार लिपस्टिक हैं गाइस, और ये चारों एलेटीन ब्रांड की हैं। शायद मैंने इसका पहले आपको एक रिव्यू करके दिखाया है, बट उसमें मैंने अच्छे से लगा के नहीं दिखाया था तो लोग समझ नहीं पाए थे। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, ये एलेटीन की लिपस्टिक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये एलेटीन की कलर पॉप की लिपस्टिक है, मतलब कलर पॉप सिल्क लिपस्टिक है ये, और इसमें कलर पॉप मैठे भी हैं, मतलब इसमें ये दोनों सिल्क है, ये वाली सिल्क लिपस्टिक है, ये मैठे लिपस्टिक है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इनके बारे में बताती हूँ। मैं इनके शेड्स भी आपको बताती जाऊँगी तो आप शेड्स लिख लीजिएगा। ये चारों ही शेड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंडियन स्किन टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और गाइस, अफोर्डेबल इतने ज़्यादा है, ये मात्र 100 रुपये में मिल जाते हैं। जी हाँ, ओनली 100 रुपीज़ में मिल जाती हैं। तो आप इन लिपस्टिक को लगा सकते हैं, ईजिली परचेज कर सकते हैं, और ये 2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आती हैं। तो आप लिपस्टिक अगर 100 रुपये की ले रहे हैं गाइस, और अगर आपने वो लिपस्टिक 6 महीने 1 साल में यूज़ करके ख़त्म कर दी, तो आपका अच्छा जो पैसा वसूल हो जाता है, मतलब 100 रुपये में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी लिपस्टिक आती होगी। बट दीज आर अमेजिंग लिपस्टिक्स। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ 1 by 1 गाइज। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये देखिए, ये लिपस्टिक का शेड है ये, एंड इसका जो नंबर है ये है R02, ये इसका नंबर है। और ये जो है सिल्क लिपस्टिक है, जी हाँ ये सिल्क लिपस्टिक है, और ये R02 शेड है। इसको मैं लगा के दिखाती हूँ, एक मिनट देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिल्क है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है, मतलब अनटिल एंड अनलेस आप इसे खा ना जाएं तब तक ये आपके लिप्स पे ऐसे ही बनी रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है ये वाली। तो आप इसे लगा सकते हैं, मैं इसके 2-3 स्वैश आपको लगा के दिखा देती हूँ, रुकिए। मतलब ये मैरिड अनमैरिड कोई भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये इसका शेड है, रेड टोन के अंदर है, 02 R02। अब ये दूसरी लिपस्टिक है गाइस मेरे पास, ये भी सिल्क लिपस्टिक है, ये भी सिल्क है, एंड इसमें लिखा हुआ है शेड P23। तो इसको ओपन करते हैं, ये देखिए, ये पिंक कलर का शेड है, ये जो रानी कलर आता है ना गाइस, ये रानी कलर जैसा, मतलब रानी कलर ही कहेंगे इसको, बस इसमें शेड डिफाइन किया हुआ है। मैं चला के दिखाती हूँ, रुकिए यहाँ पे। जी हाँ, ये रानी कलर है। तो आप जब पिंक कलर के लहंगा, साड़ी और कोई पिंक कलर की ड्रेस पहनेंगे गाइस, सुपर मैचिंग है, और ये पार्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये वाला शेड बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम मेरी साइड से। P23 बहुत अच्छा लगा मुझे, वाकई में अच्छा लगा, और जिनका कलर फेयर है उन पर तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा पिंक कलर का शेड। अब मैं आपको मैठे शेड्स दिखाती हूँ गाइस, ये दोनों मैठे हैं। तो ये जो है, ये इसका शेड नंबर है R33 शेड है। ये देखिए, ये मेहरून शेड है गाइस, मतलब जिन लोगों को डार्क कलर के शेड लगाना अच्छे लगते हैं ये लिपस्टिक उनके लिए हैं। एक्चुअली मुझे डार्क शेड्स भी अच्छे लगते हैं, मैं न्यूड शेड्स भी लगाती हूँ, मुझे सारे शेड्स अच्छे लगते हैं, कोई भी लिपस्टिक दे दो बस लगा लेंगे। तो अगर किसी को न्यूड शेड अच्छे लगते हैं तो वो ये डार्क शेड्स ना ट्राई कीजिए, बट जिन लोगों को स्पेशली डार्क शेड की लिपस्टिक अच्छी लगती है वो इसे ट्राई कर सकता है। ये देखिए कितना डार्क है, और इसका शेड नंबर है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, R33। और ये मैं लगा के दिखाती हूँ यहाँ पे, रुकिए,
एक्चुअली गाइज जब मैं ट्राई करती हूँ बुलेट छोटी कर देती हूँ कि टूट ना जाए नई लिपस्टिक मेरी, मैंने इतने प्यार से रखती हूँ। ये देखिए गाइज, इसमें ये पिंक कलर का नहीं, ये जो पिंक कलर का आ रहा है ना, पिंक नहीं है, ये एक्चुअली ब्राउन और मेहरून के बीच का शेड है, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये इसमें क्लियर नहीं आ रहा है गाइज, लेकिन ये ब्राउन और मेहरून के बीच का शेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है ये वाला, ये जो ऊपर लगाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए डार्क ही एज इट इज़ है, ये इतना डार्क है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा लगा के। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज, और कोई भी इसे लगा सकता है, अनमैरिड और मैरिड। अब मैं आपको लास्ट जो मेरे पास शेड है, एक्चुअली मैंने चार मंगाए थे और ये चारों मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने दोबारा मंगाए। ये है शेड नंबर P28, ये है P28 और ये भी मैटे है, ये शेड है देखिए, ये लगाया हुआ है अभी। एक्चुअली ये वाला शेड नहीं लगाया मैंने, ये जो है इसमें मैंने एक और लिपस्टिक मिक्स कर दी, पहले मैंने कोई और लिपस्टिक लगाई हुई थी उसके ऊपर ये वाला लगा दिया, तो मिक्स हो गया है दो तीन लिपस्टिक का, इसलिए पता नहीं चल रहा है, बट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। रुकिए यहाँ पे, यस ये रेड शेड है, ये रेड है और ये लाइट भी है, मतलब जो ऑरेंज वाला रेड आता है ना गाइस, ये वही है ऑरेंज वाला रेड। तो आप इन चारों को ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस, और ये जो इस जिसमें लिखा हुआ है कि ये मैटे लिपस्टिक है, इसमें लिखा हुआ है कि ये मैटे है गाइस, आई एम सॉरी ये मैटे नहीं है गाइस, ये सिल्क है, मतलब पता नहीं मैटे इसमें क्यों लिख दिया है, बट ये सारे सिल्क लिपस्टिक ही हैं। आपको इसको लगाने से पहले लिप बाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सारे प्यारे शेड्स हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वाले शेड्स पसंद आए होंगे, अगर आपको ये शेड्स पसंद आए हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन सा वाले नंबर का 1, 2, 3, 4 चारों में से कौन सा शेड आपको अच्छा लगा, आपने यूज़ किया है या नहीं, और मुझे एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक छोटा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।